आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज, यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। कुछ छोड़कर 9 यहाँ पर सांसद प्रत्याशी हैं और एक से एक दिग्गज सर हैं। कोई तो उद्योगपति है, कोई समाज सेवी है और कोई पूर्व सांसद प्रत्याशी है या सांसद भी हैं। सर, क्या लग रहा है कि यहाँ पर चुनावी दंगल में आप फाइट कर पाएंगे? पहला है, यहाँ कोई दबंगे नहीं होगा। आपका हीरा भाई अगर आ गया, कोई दबंगे नहीं होगा। यहाँ कोई हम तय कर रहे हैं, कम से कम पहला टारगेट होगा हमारा से विधानसभा में कम से कम एक एक कॉलेज बनाए। मकसद है किसान को, मालिकान को चीनी मिल का मालिक बना, ये हमारा वादा है। नौजवान हमारे पास आया है, दादा यहाँ कोई ना कोई जेडीयू, ना कोई बीजेपी, ना कोई ये लालू प्रसाद का पार्टी कुछ ये रोजगार का कुछ काम नहीं है। मैंने बोला आप रहिए, हमारा जो निधि होता है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में एक में उपस्थित हैं, जो कि रामनगर विधानसभा पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में लगभग 10 प्रत्याशी भाग लिए हैं और इस 10 प्रत्याशी प्रत्येक प्रत्याशी अपने 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 स्तर पर समीकरण बनाकर मेहनत कर रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी कि यहाँ की सत्ता बागडोर किसके हाथ में दे। इसी बीच इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या एक से हमारे साथ नव कुमार सरनिया जुड़े हुए हैं, जो सांसद प्रत्याशी हैं और ये आसाम से चलकर आए हुए हैं। खास इनसे बातचीत हम लोग करेंगे कि आखिर में चंपारण की सरजमी पर आने का मकसद क्या हुआ, चूँकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं और इस राज्य के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र भी हैं। सर स्वागत है सर आपका हमारे सर वे भी इंडिया न्यूज़ चैनल में, कि सर आप अपने प्रीसीएस समय निकाल कर दिए। सर मैं चाहूँगा सर आप अपना सर एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम है नवक कुमार सोनिया, हमको असम का और भारत देश का लोग हीरा भाई बोल के उसको जानकारी है। दूसरा है असम का, अभी भी हम निर्दल सांसद है। 2014 में पहली बार हम सुन के आया, लगभग 52% वोट मिला हमको और मार्जिन था 3,50,000। चुनाव चिन्ह क्या है सर आपका, कितने नंबर पर है? हमारा चुनाव से टॉस लाइट है, बैटरी टॉस है और ये 4 नंबर में आएगा ईवीएम में। सर आखिर में आपको पार्टी ने आसाम छोड़कर इस बिहार की पाक सरजमी चंपारण बोलते हम लोग वाल्मीकि नगर क्यों सर आपको यहाँ पर लड़ने की आवश्यकता हुई, क्योंकि आसाम की तो पूरी लोकसभा क्षेत्र खुली हुई थी? देखिए मैं एक्चुअली असम का अभी का सांसद हूँ, लेकिन भाजपा सरकार ने सल से हमारा नॉमिनेशन कैंसिल किया। अगर हम पिटीशन में जाएंगे इलेक्शन तो हम 3-4 साल बाद जीत जाएंगे, लेकिन जब ऐसा हादसा हुआ क्योंकि असम में लगभग इलेक्शन खत्म हो गया। सर ये भाजपा सरकार ने किया आपका नॉमिनेशन रद्द या चुनाव विभाग ने? देखिए हमको लगता है चुनाव विभाग तो स्वतंत्र है, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा इधर उधर है, तो ये पॉलिटिकल बात है, तो आने वाले दिन में हम खुलासा करेंगे। लेकिन बात यही है, उसको पता है इस बार हम अगर सुनेशन सिख नॉमिनेशन देना था, हमको कोई पसा करने का जरूरत नहीं था। मतलब हमारे उधर का लोग बोलते हैं हीरा भाई को एक बार दो बार नहीं बार बार बोल ये नारा लगा था, तो उनको लगा है अगर हम नॉमिनेशन हो गया हम जीत जाएंगे, तो इसलिए वो ये काम किया है। और इसी बीच हमारा असम में लगभग 3rd फेज का जितना सीट है वो ख़त्म हो गया था, तो फिर हमारा देश का सारा क्योंकि ये जो हमने गन सुरक्षा पार्टी बनाया है GSP, वह हर देश में लगभग कश्मीर से लेके अरुणाचल से लेके असम मेघालय से लेके उड़ीसा UP बिहार सब में लड़ रहे हैं, तो सब ने हमको बुलावा भेजा था, लेकिन फाइनली हमारा लोगों ने सबने बोला नहीं वाल्मीकि नगर से हमको लड़ना है। लेकिन सर आखिर में वाल्मीकि नगर ही क्यों, चूँकि सर यहाँ छोड़कर 9 यहाँ पर सांसद प्रत्याशी हैं और एक से एक दिग्गज सर हैं। कोई तो उद्योगपति है, कोई समाज सेवी है और कोई पूर्व सांसद प्रत्याशी है या सांसद भी हैं। सर क्या लग रहा है कि यहाँ पर चुनावी दंगल में आप फाइट कर पाएंगे? पहला है हमारा क्षेत्र में भी ऐसा था, 10 साल पहले जो सांसद था वो कभी ना लोगों से मिलता, लोगों को ना उसको पता होता था। यहाँ भी अभी 75 साल से जो सांसद है, पिछले बार का हो अभी का हो जो भी हो, लोगों को पता नहीं है कौन सांसद है क्या करते हैं। लोग बोलते हैं साला ये पार्लियामेंट भी नहीं रहते हैं, वो यहाँ भी नहीं आते हैं तो कहाँ जाते हैं। लेकिन हम तो एक MP होने के नाते सारा देश में हम घूमते हैं, स्पेशली हमारा आदिवासी समाज के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हम जहाँ भी बुलाता है हम वही जाते हैं। पॉलिटिकल बात छोड़िए, हम सोशली बहुत एक्टिव है,
हम एक दिन भी बैठते नहीं है, हमारा जहाँ वहाँ रहते हैं, हमारा गाँव गाँव घूमते हैं। और बाकी यहाँ भी हम वाल्मीकि नगर में मुझे पहले आने का मौका मिला था तो भी हमको यह पता चला था जो एक्चुअली क्या है। सर ये हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पर भी सर हम लोग बात किए हैं जनता से, तो जनता के अंदर यह है कि बाहरी को हम लोग क्यों वोट दें। यही बात मैंने जब आप लोग का मीडिया पर्सन हमको पूछा था, मैंने बोला इसका बेहतर जवाब हम मोदी जी दे सकते हैं, मोदी जी दे सकते हैं। दूसरा बात है अगर बाहरी का बात है, आज का डेट में 3 कैंडिडेट है जो ये कॉन्टेस्ट में आएगा। एक है हमारा ये जेडीयू वाला, उसको लोग बोलते हैं अनुगम, हाँ कुछ उसको बोलता है, उनको अनुगंपा से मिला है, वो लोग भी बाहरी था अभी यहाँ का हो गया। दूसरा है दीपक यादव जी, वो भी हरियाणा का है, यहाँ आके इंडस्ट्री से लगा के वहाँ बैठा हुआ है। और थर्ड में आप है, हाँ। और देखिए एक्चुअली एमपी देश का होता है और अपना क्षेत्र का होता है, जहाँ भी आए क्षेत्र को क्या करते हैं नहीं करते वो देखना पड़ता है। अब राहुल जी कहाँ का है, वो तो या यूपी में होता है या केरला में होता है। देखिए मैं हीरा भाई को या नवसोनिया को कोई पूछ सकता है लेकिन उनको तो पूछ नहीं सकते है। ये सवाल अच्छा है लेकिन इसका जवाब भी अच्छा है, क्योंकि हम वाल्मीकि नगर में जी पिछले 75 साल से जितना सांसद है वो जो कर नहीं पाया, जो हमने आसाम में करके दिखा कोकराझार में, यह हमने करने के लिए आया। देखिए यह दबंगा अभी भी ज़्यादा है। सर सर हम लोग सर आपसे सर एक सर है सवाल कि जब आप अपने आसाम में अच्छा काम कर लिए उसी बेस पर सर लोग आपको वोट दे देते हैं, लेकिन सर यह पूरा फील्डिंग करना, चुनाव प्रचार प्रसार करना क्या जरूरी है? देखिए हम लड़ाकू है, आपको सर पता नहीं है, हम पिछले हमारा पूरा 35 ईयर का पूरा लड़ने का हमारा इतिहास है, इतिहास है। यह हम सबसे लड़ते हैं, मतलब जो दबंगाई होते हैं, भूखमरी होते हैं, करप्शन होते हैं बिहार में, जो हमने आके देखा है असम से हालत ख़राब है। देखिए यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छा कोई मेडिकल नहीं है, मेरे घर के बगल में अभी कैंसर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अपना कोकराझार में बन रहे हैं, मेरा अपना एरिया में ईद गिर्द में लगभग 2 किलोमीटर के अंदर 3 डिग्री कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई डिग्री कॉलेज ही नहीं है, आप पटना जाना पड़ते हैं या आपको ईपी जाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे अभी सर मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन जो हाँ जो आपके जिला अध्यक्ष जी हैं सर मैं इससे बात करूँगा। सर इतने सारे प्रत्याशी हैं जो इस पश्चिमी चंपारण की सरजमी के हैं और इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र के हैं, लेकिन सर आप एक आसाम से आए हुए सांसद प्रत्याशी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं जनवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम प्रेम चौधरी है। देखिए कहने की चीज़ है कि हर पार्टी जो है अपना अपना गठबंधन से जो है पार्टी का चुनाव लड़ा है, तो हमने सोचा कि गण सुरक्षा पार्टी लेकर आए हैं नावा कुमार सरनिया जी और इधर हमारा जनवादी पार्टी है, तो हम दोनों तालमेल मिलकर इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं सर मैंने कहा कि सपोर्ट क्यों सर, आगे में आपके पास एक बहुत बड़ी एक समंदर इंडिया महागठबंधन और एक तरफ दरिया NDA, आप उसको थोड़ा इनके पास आए गठबंधन करने के लिए। कहने की चीज़ है हमारा जो पार्टी है जनवादी पार्टी जो है अत्यंत पिछड़ा के नींव पर बना हुआ है, और ये जो पार्टी बनाए हैं नवा कुमार सरनिया जी गण सुरक्षा पार्टी, इनका पार्टी जो है ST SC दलित लोगों का मसीहा है और कोकराझार में 2-2 बार MP रहे हैं, और किसी कारण इनका पेपर जो है गड़बड़ी हो गया। अभी सोचे कि भाई पूरे देश में जब गड़बड़ी होगा तो हमको लड़ना है, तो ये अपना देखे सर्वे किए तो इनको लगा कि वाल्मीकि नगर में ST वोट काफ़ी है। सर आपसे सर सेकेंड लास्ट सर ये आपसे प्रश्न है कि जनता किस बेस पर वोट दे, व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष? देखिए पार्टी तो एक फॉर्मेलिटीज है, व्यक्ति ही देखेगा। देखिए यहाँ 75 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, हम बोलते हैं सब लोग बोलते हैं यहाँ एक बदलाव चाहिए, एक विकल्प चाहिए। हमारा लोग बोलते हैं यहाँ जाएगा तो कुएँ है यहाँ है खाए, अब कौन सा रास्ते में जाएंगे, तो हमने बोला बीच में रास्ता निकालिए, हम कोई इंडिया से NDA से मतलब नहीं है, क्योंकि आप पता है हमारा उधर में हम इंडिया से लड़के आए हैं NDA से लड़के आए हैं 2-2 बार, इस बार भी हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, हम नहीं हमारे नाम पे वोट होगा। सर आप इस चंपारण की सरजमी पर सर आए हैं और यहाँ की सबसे मीठी भाषा है भोजपुरी, आती सर नहीं आती है? देखिए भाषा एक अपना अलग सा ये होता है सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए लेकिन मेरा बात मैं भी भोजपुरी समझता हूँ और मेरा बात भी वो लोग समझते हैं, बाहर एक माध्यम होता है समझने का। चलिए सर लास्टली सर आप जनता को सर क्या कहना चाहेंगे जो एक आश और उम्मीद में है नई किरण को लेकर कि कुछ तो सर बदलाव जरूरी है? पहला है यह कोई दबंगा नहीं होगा, आपका हीरा भाई अगर आ गया कोई दबंगा नहीं होगा,
या कोई हिंदू मुस्लिम के नाम के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरा है, हम तय कर रहे हैं कम से कम पहला टारगेट होगा हमारा से विधानसभा में कम से कम एक एक कॉलेज बनाए, से विधानसभा में कम से कम एक चीनी का मिल बनाए। हमारा मकसद है किसान को मालिक बनाना है, गन्ना किसान को चीनी मिल का मालिक बना, ये हमारा वादा है। नौजवान हमारे पास आया है, दादा यहाँ कोई ना कोई जेडीयू ना कोई बीजेपी ना कोई ये लालू प्रसाद का पार्टी कुछ ये रोजगार का उस काम नहीं है। मैंने बोला आप रहिए, हमारा जो निधि होता है हम रोजगार के लिए वो लगाएंगे। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपका बहुमूल्य समय दिए। तो ये थे नव कुमार सरनिया, जो जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और पीछे इनके कुछ कार्यकर्ता हैं और साइड में है। तो हालांकि अब देखेंगे इस लोकसभा चुनाव में खासकर पश्चिमी चंपारण की सरजमी पर एक तरफ NDA इंडिया और भी सारी पार्टी है और हमारे सर जो कि असम से चल रहा है, ये इन्होंने यहाँ की काफ़ी समस्याओं पर भी चर्चा की। लेकिन क्या यहाँ की जनता वर्ग बेस, जाति बेस या पार्टी बेस या व्यक्ति बेस पर वोट करती है, वे चुनाव के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में रईसुल आजम के बना पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेव इंडिया न्यूज पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा, जी हाँ अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास सुपरविजन सर्वे अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा, जी हाँ आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।